हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अमन सावला, जिसमें आपका स्वागत है। जैसे कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा रहेगा, वो था बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब क्या? प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब क्या? जब कम्युनिकेटर कभी भी कोई भी मैसेज सेंड करता है, किसको? रिसीवर को या ऑडियंस के सामने अपना प्रेजेंटेशन देता है या मैसेज सेंड करता है एक ओपिनियन के द्वारा, या उसकी आइडिया शेयर करता है, तभी उसको जो कम्युनिकेशन में बैरियर्स मतलब प्रॉब्लम्स आती है, तो जो प्रॉब्लम्स आती है हम उसको बैरियर्स बोलते हैं। और वो बैरियर्स कभी आती है? जब भी हमारे में कोई ऐसी खूट हो, मतलब एक छोटा सा कोई प्रॉब्लम हो, या कंसेप्ट क्लियर ना हो, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर ना हो, तभी ऐसा प्रॉब्लम आती है। हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी ना हो, तो वो पूरा नेगेटिव पॉइंट हुआ, वो इमेज डाउन करता है किसकी? कम्युनिकेटर की, जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी इमेज डाउन होती है, तो पूरा नेगेटिव पॉइंट हुआ। तो आज के वीडियो में मैं उसको ही कंटिन्यू करते हुए एक पॉजिटिव पॉइंट लाया, हाउ टू मेक योर कम्युनिकेशन इफेक्टिव। अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाए, अपने कम्युनिकेशन को अच्छे से कैसे डेवलप करें, अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको आगे कैसे बनाए। तो सबसे पहला उसमें पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस। कौन सा है? सेल्फ अवेयरनेस। मतलब जब भी आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो, क्या जब भी आप कभी भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने अंदर के जो आइडियाज आप शेयर कर रहे हो उसके बारे में अवेयर रहना है कि वो सही है या गलत है। और बाद में उसके बारे में इतना भी ज्यादा नहीं बोलना है कि उसमें आप टाइम वेस्ट कर दो अपना। अगर एक पॉइंट पकड़ के बैठे उसके बारे में कंटिन्यू बोलते गए तो वो अच्छी बात नहीं है। एक प्रॉपर लिमिट बनाने की, तो वो सेल्फ अवेयर हुआ। बाद में समझो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ दिक्कतें हो रही है, तो सेल्फ अवेयर रहना है कि उसको कैसे कंट्रोल में रखे। मतलब क्या होता है? बहुत बार है ना, इनर से मतलब अंदर से ऐसा कोई पेन होता है, फिर भी आप कम्युनिकेशन करते हो, या आपको अंदर से ऐसा पेन हो रहा है कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी आप बोलते हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको सेल्फ अवेयर नहीं बोल सकते। सेल्फ अवेयर मतलब क्या? उसके जो प्रॉब्लम आ रही है उसको बाहर निकालना नहीं है, उसको अंदर ही रखना है। जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो या कोई मैसेज प्रॉपरली पहुंचा रहे हो, तो जो नेगेटिव पॉइंट है उसको कंट्रोल में रख के वहां पे दबा के रखना है। उसको कभी भी है ना जो रिसीवर है उसके सामने प्रेजेंट नहीं करना है। तो उसके बारे में पहले ना सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस है कि अपने अपने अंदर की जो अवेयरनेस है उसको ध्यान में रखते हुए चलना है, एक कंट्रोल लेवल बनाना है, और एक जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसकी एक लिमिट रखनी है, और उसमें हो सके तब तक नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है या गलत इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है। ये हुआ हमारा सेल्फ अवेयरनेस। इसके बाद है एक्टिव लिसनर। क्या? एक्टिव लिसनर या एक्टिव लिसनिंग, दोनों में से एक, दोनों भी सेम ही है। एक्टिव लिसनिंग करो या एक्टिव लिसनर। अभी एक्टिव लिसनिंग या लिसनर मतलब क्या? नॉर्मली जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, मतलब एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो या एक सेमिनार दे रहे हो, एक लेक्चर दे रहे हो, वो टाइम पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी ऑडियंस आपको कुछ पूछे या आपको कुछ आइडियाज दे, उनके ओपिनियन दे, तो वो टाइम पे आपके कान एकदम परफेक्टली खुले होने चाहिए। वो एक बार बोले और उसको आप ग्रास्प कर लो, मतलब क्या उसको एक टाइम में ही आप सुन लो, अच्छे से सुन लो, उसका जवाब दे पाओ या उसके ओपिनियन को आप रिसीव कर पाओ, उसका जो रिस्पॉन्स है उसको आप रिसीव कर पाओ। तो ये क्या हुआ हमारा? एक्टिव लिसनिंग। जितना अच्छा आपका लिसनिंग होगा, जितना आप अच्छे से सुन पाएंगे एक ही झटके में जो आप ग्रास्प कर पाएंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव लिसनर। तो ये भी एक क्या, एक इंप्रेशन गिरेगी आपकी कि रिसीवर के माइंड में क्या होगा कि मैंने एक बार इसको बोला और ये तुरंत समझ गया, मतलब क्या वो बंदा नॉलेजेबल है, अच्छा है, उसको बहुत सारी आइडियाज होगी, उसका लिसनिंग बहुत अच्छा है। तो ये क्या हुआ हमारा? एक्टिव लिसनिंग। तीसरा है एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली। मतलब जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, लेक्चर दे रहे हो, अगर आप समझो लेक्चर हो और न्यू हो, मतलब नए गेस्ट जैसे हो, मतलब आप पहली बार लेक्चर देने जा रहे हो, तो जितने भी सामने स्टूडेंट्स बैठे उनको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जितने भी स्टूडेंट बैठे उनको आपकी पहले सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, बाद में आपने क्या क्या किया है। अगर आप डायरेक्टली लेक्चर चालू करते हो तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं गिनाता। पहले जो अपना अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, या मैं अभी लेक्चर दे रहा हूं तो मैंने पहले मेरी इन्फॉर्मेशन दी, तो मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो पहले मेरे को आपके साथ शेयर करनी चाहिए। जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, छोटी सी नॉर्मल सी, जो नाम है मेरा, मेरी एज है, मेरा कौन से सिटी में मैं रहता हूँ, बाद में मैंने क्या किया, एजुकेशन लेवल क्या है मेरा,
बाद में मैंने एक्स्ट्रा कोर्सेज कौन से किए, जो अदर कोर्सेज कौन से किए वो भी बोलना है। तो ये जब बोलते तो कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव बन जाता है, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट के माइंड में बैठ जाता है कि ये सर प्रॉपर है मेरे लिए, क्योंकि उनने ये सब कोर्स किए तो वो कोर्स के बारे में मुझे नॉलेज दे सकते हैं, साथ में जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे उसके बारे में प्रॉपरली नॉलेज दे सकते हैं। तो क्या एक स्टूडेंट के दिमाग में एक इंप्रेशन गिरेगी, नहीं तो ऑडियंस के दिमाग में इंप्रेशन गिरेगी कि ये जो बंदा है या ये जो सेमिनार दे रहा है वो बंदा, उसको प्रॉपर सब चीज का नॉलेज है, जो जिस जिस फील्ड में वो गया है वो प्रॉपरली वो उसमें स्टडी किया है, उसमें अच्छे से एजुकेशन लेवल अच्छा किया उनने और ज्यादा से ज्यादा डीपली नॉलेज लिया है। तो वो बंदे के दिमाग में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगी किसके बारे में, कम्युनिकेटर जो बोल रहा है, जो लेक्चरर है या सेमिनारर है वो क्या कर रहा है, उसके दिमाग में ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रही है, तो उसके लिए वो भी कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने जो अपनी जो पर्सनल थोड़ी सी डेटा है, जो आपका थोड़ा सा डेटा है वो सिर्फ उनके साथ शेयर कर रहे, तो उनके दिमाग में एक इमेज बन गई, किसके? ऑडियंस के दिमाग में। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो जब भी आप कहां पे भी पहली बार जा रहे हो लेक्चर देने या इंटरव्यू देने, तो प्रॉपरली अपने सेल्फ को एक्सप्रेस करो, मतलब अच्छे से आप बोलो कि आप कौन हो, कहां से आए हो, कितनी एज, जो भी छोटी छोटी डिटेल्स होती है वो डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब करो। इसके आगे हम बढ़ते हैं बी पॉजिटिव, सबसे मेन पॉइंट है पूरे इसका बी पॉजिटिव। जब भी आप, मैंने पहले पॉइंट में जैसे बोला कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर नेगेटिव आती है तो उसको हो सके तो मत बोलो, उसके बदले पॉजिटिव पॉइंट्स बोलो। तो ये बी पॉजिटिव ऐसा है, पहले आप बी पॉजिटिव मतलब क्या, पहले पॉजिटिवली सोच लो कि आपके दिमाग में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने के लिए उसके पास क्या है, पहले से ही उसकी प्रिपेरेशन रखो और पॉजिटिवली चलो। अगर बाय चांस आप कम्युनिकेशन कर रहे हो या मैसेज वहां तक पहुंचा रहे हो सेकेंड पर्सन तक, तो एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी आप मैसेज पहुंचा रहे हो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या मैं क्या बोल रहा हूं, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिवली ही होना चाहिए। जितना हो सके तब तक पॉजिटिव लैंग्वेजेस यूज करो, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जो है, मतलब पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, गलत नहीं होनी चाहिए या कोई पेनफुल नहीं होनी चाहिए, सैडनेस वाली। अगर ऐसा सीन, अगर समझो आपको स्टोरी सुना रहे उसमें ऐसा सीन आया तो ठीक है, पर उसके सिवा ऐसा नेगेटिव जो गलत चीज है वो नहीं बोलनी है, या गलत चीज अगर इंपॉर्टेंट हो तो ही बोलनी है, नहीं तो नहीं, और उसको एक लिमिट में बोलनी है। तो इसके लिए हमें पहले से ही है ना बी पॉजिटिव मतलब क्या, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, एक अच्छे मतलब अच्छे विचार से जाना पड़ेगा। और अगर वो पॉइंट बोलना है तो उसमें भी हमें कितना टाइम मिलना चाहिए, कितना लिमिट होना चाहिए बोलने का, और कितना उसका कंट्रोल होना चाहिए वो भी ध्यान रखना है। इसके हम आगे जाए तो प्रैक्टिस, पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस के सिवा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट जितना आप जो चीज में, जो फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, जो फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस चाहिए। क्या चाहिए? सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपके पास वो स्किल होगी, वो इंटरेस्ट का आपका फील्ड होगा, पर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपका कोई मतलब नहीं है, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। ज्यादा से ज्यादा जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी बात होगी। अभी समझो, अभी कोई कंप्यूटर स्टूडेंट है, वो अगर पहले से ही प्रैक्टिस करते जा रहा है, मतलब 9-10 से उसको इंटरेस्ट है, तो उसने C++ है, जावा है, उसमें अब उसने पहले से ही अगर प्रैक्टिस करना चालू किया, तो तब जाके जब उसका 11-12 पूरा होगा, बाद में जब वो BCA में सिलेक्ट होगा, मतलब कॉमर्स के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, दूसरी फील्ड BSc से भी होता है, पर मैं कॉमर्स का हूं इसलिए मुझे कॉमर्स का ही पता है, क्योंकि वो BCA से होगा, तो BCA में कैसे सिलेक्ट होगा उसका भी इंपॉर्टेंट है। वहां पे वो क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम भी हो जाती है, बाद में जब प्रैक्टिकल की बारी आती है तो प्रैक्टिकल में आपका अच्छा परफॉर्मेंस होता है। इसलिए एक चीज ध्यान रखो कि कभी भी आप कुछ भी समझाने जा रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस रखो पीछे से। अगर अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्या ये वीडियो बना रहा हूं, तो इसके पीछे मेरी प्रैक्टिस कितनी होगी आप सोच सकते हो, कि मैंने 3-4 बार प्रॉपरली प्रैक्टिस की रहेगी, उसके बाद ही मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस के बिना मेरा जो ये परफॉर्मेंस है वो प्रॉपर नहीं आता, और मेरा कम्युनिकेशन क्या, इफेक्टिव नहीं बन पाता। इसलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखो कि जब भी आप कोई प्रैक्टिस करते हो या हार्डवर्क करते हो तो वो भी इंपॉर्टेंट है। साथ में आपके प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आपको जो फील्ड में इंटरेस्ट हो उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो उसकी अगर आपको ट्रेनिंग मिले, सिर्फ ट्रेनिंग मतलब क्या, टीचिंग मिले, और उसको ही उसकी वो
जो टीचिंग मिले उसकी आप प्रैक्टिस करते जाओ तो बहुत अच्छा है। अभी आप समझ सकते हो कि जो भी स्टूडेंट कॉमर्स में है उनको पता है कि अकाउंट कैसा सब्जेक्ट है। अकाउंट में अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की तो अकाउंट में अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो वो सम जब तक हम प्रैक्टिस खुद के रीच से नहीं करते तब तक वो समझ में नहीं आने वाला। मतलब टीचिंग क्या हुआ, टीचिंग हमारी ट्रेनिंग हुई कि जो टीचर है या सर है वो हमें टीच कर रहे, मतलब वो पढ़ा रहे जो भी अकाउंट का सब्जेक्ट है या प्रॉपर जो भी, जैसे कि सब जो जर्नल एंट्री है वो सिखा रहे, और वो सिखा ली उसके बाद हमने वो बुक को हाथ नहीं लगाया, साइड में रख दिया तो कुछ नहीं आएगा। उसको 10 बार 20 बार 30 बार जितनी बार ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बार आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। कि वो प्रैक्टिस एक बार कर ली ना तो अकाउंट के कंसेप्ट तो साथ में क्लियर हो जाएंगे। वो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद क्या होगा कि आपको कभी भी नींद में से भी उठा के बोले ना कि ये क्वेश्चन का जवाब दे या ये जर्नल एंट्री क्या होगी, तो डायरेक्टली आप नींद में भी जवाब दे सकते हो, इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। अभी मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो इसके लिए भी मैंने कितनी पहले प्रैक्टिस की होगी कि मुझे सेमिनार देना है या कुछ प्रेजेंटेशन देना है या पीपीटी से प्रेजेंटेशन देना है तो उसके पहले मुझे 10 गुना ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और बाद में एक ही बार में मुझे प्रेजेंट करना पड़ता है या 2-3 बार में प्रेजेंट भी होता है, बहुत बार बहुत भूल होती है। तो इसलिए सबसे मेन है प्रैक्टिस करना। इसलिए ध्यान रखिए कि कभी भी लाइफ में कोई भी आप फील्ड में जाओ जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें खास करके प्रैक्टिस करें, जो फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो उसमें प्रैक्टिस करें, उसका जो नॉलेज है वो अचीव करें। तो ये हुआ हमारा प्रैक्टिस। इसके बाद है यूज ऑफ पॉजिटिव लैंग्वेज। क्या यूज ऑफ सिंपल एंड पॉजिटिव लैंग्वेज। पॉजिटिव लैंग्वेज तो बनाना, सिंपल लैंग्वेज में यूज करना, मतलब जो भी आप इंफॉर्मेशन पॉजिटिवली दे रहे थे वो मान लिया मैंने, पर यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज। क्या एक जो सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं हम एकदम नॉर्मली, एकदम डिफिकल्ट लैंग्वेज से हम बात करेंगे तो नहीं है पॉसिबल, क्योंकि जब कम्युनिकेटर डिफिकल्ट लैंग्वेज में अगर अपना मैसेज पहुंचाएगा रिसीवर के पास तो वहां पे 100% में से अगर समझो 60% समझ सकते तो जो 40% है वो समझ नहीं पाएंगे। जो मैसेज उनके पास पहुंचना रहता है, जो कंटेंट का जो मेन जो मोरल होता है वो अगर जो रिसीवर है या ऑडियंस है उनके पास नहीं पहुंचता तो उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, साथ में उनको जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए रहती वो नहीं मिलती। क्योंकि क्यों? क्योंकि वो हार्ड जो डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। डिफिकल्ट मतलब क्या, एकदम हार्ड वर्ड्स यूज कर रहा है, एकदम डिफिकल्ट सेंटेंस यूज कर रहा है तो वो बहुत मुश्किल गिरता है। इसके बदली अगर कम्युनिकेटर एकदम सिंपल इंग्लिश में बोले या हिंदी में बात करे, नॉर्मली आपको समझे, जैसे कि मैं सिंपल और सादी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, मेरी हिंदी और आप जानते हो मेरी हिंदी बहुत भारी है, वैसी सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूं तो आपके आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे, जो पॉइंट्स क्लियर नहीं थे वो क्लियर हो रहे। तो ये क्या, मैं सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। अभी ये सिंपल लैंग्वेज से फायदा क्या होता है कि रिसीवर के माइंड में एक पॉजिटिव इंपैक्ट गिरती है और उसको क्या लगता है कि ये बंदा है ना अगर मुझे समझाएगा ना तो मैं अच्छे से आगे बढ़ सकता हूं। तो ये हुआ हमारा कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव हुआ, आपकी इंप्रेशन गिरी और कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव बन गया। अभी इसके आगे हम देखते हैं प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज। क्या है प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज। प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज क्या है, नॉर्मली प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज मतलब जब भी आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो या कम्युनिकेशन करते करते आप जो एक्शन कर रहे हो उसका इंपॉर्टेंस है। बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आ सकता है, आई कॉन्टेक्ट आ सकता है, टेक्टाइल आ सकता है, फेस एक्सप्रेशन आ सकता है, आप क्या क्लोथिंग करते हो, आपकी क्या हेयर स्टाइल है, आप कौन से कलर के आप क्लोथ्स पहनते हो उसके ऊपर से भी पता चलता है कि ये कम्युनिकेशन कैसा करता होगा या इसकी एक्सप्रेशंस कैसी होगी। बाद में अपना मैं अभी समझो मैं आपके सामने मेरा प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो मेरी हैंड की जो हाथ की एक्शंस हो रही है वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम बॉडी को बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज करें। तो प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए कि जितना आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वर्ड्स जो यूज कर रहे हो अपने माइंड में जो वर्ड्स क्रिएट हो रहे उसके हिसाब से आपकी जो मोशन से जो बॉडी मोशन से वो भी होनी चाहिए। अगर मैं बहुत सैडनेस से अगर समझो मुझे अच्छा कोई पॉइंट बोलना है, मैं बहुत दुखी रीत से बोल रहा हूँ तो नहीं समझ में आएगा वो पॉजिटिव। मतलब क्या, जो वर्ड और सेंटेंस का जो मैचिंग होगा ना हमारे बॉडी लैंग्वेज पे वो नहीं हो पाएगा। तो इससे अच्छा जो वर्ड आप यूज कर रहे हो उसका एक्शन करना भी सीखो। सिर्फ ऐसे खड़े रह गए मस्त एकदम और बोलते गए खत्म हो गया, मतलब इसका कुछ वैल्यू ही नहीं है। इससे अच्छा आप जो वर्ड बोल रहे हो उसकी एक्शन करना सीखो, उससे आगे बढ़ सकते हो। तो हो सके तब तक
प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज यूज करना। और लास्ट है फीडबैक, सबसे इंपॉर्टेंट। ये सब करोगे तो लास्ट में ऑटोमेटिक अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव बना तो आपको ऑटोमेटिकली आपका फीडबैक मिल जाएगा। मतलब क्या होगा, अभी समझो आप अच्छे से कम्युनिकेशन करो, ये सब पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हो और आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन गया है, पर आपको फीडबैक के लिए आपको जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, आपको फीडबैक मिलना चाहिए, उसके लिए ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई मैसेज वहां तक पहुंचा रहे, ऑडियंस तक या रिसीवर तक या टीचर स्टूडेंट तक पहुंचा रहे या आपके पेरेंट्स आप तक जो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली पहुंचा रहे हैं, उसका फीडबैक कैसे मिलेगा? उसका फीडबैक आपकी कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव होनी चाहिए। दूसरा क्या, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इससे तो अच्छी होगी, इफेक्टिव तो होनी चाहिए, साथ में आप कितने पॉजिटिवली बात करते हो, कितना पोलाइटली बात करते हो, कैसा बॉडी लैंग्वेज यूज करते हो, उसका भी इम्पोर्टेंस है। तो वो सब ध्यान में रखते हुए आपको फीडबैक मिलती है। अगर समझो आप कहां पे मतलब बड़े हॉल में मतलब स्टूडेंट के सामने आप प्रेजेंटेशन करने गए, आपने ये सब पॉइंट्स फॉलो किए और लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछा, जो भी आपका जो कम्युनिकेशन का टॉपिक रहेगा जिसके बारे में आप डिस्कशन कर रहे हो उसके बारे में आप मतलब उनको नॉर्मली क्वेश्चन पूछा और वो क्वेश्चन का आंसर अगर समझो कम से कम 70% जो वहां पे ऑडियंस है उसमें से 70% बोल सके तो समझ लेना कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। क्या 70% ऑडियंस अगर समझ लो आपका आंसर दे पाए तो समझ लेना आपका जो कम्युनिकेशन हुआ ना वो इफेक्टिव बन गया, एक इमेज बन गया उनके दिमाग में कि ये सर अच्छे। और जो लास्ट जो 30% रहेंगे ना उनको थोड़ा बहुत डाउट्स होगा, वो भी क्लियर हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि ये सब पॉइंट्स को फॉलो कीजिए तो जो लास्ट पॉइंट होगा फीडबैक वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, एक आउटकम आपको मिल जाएगा। तो ये सब आज के वीडियो में ये सब मैंने समझाया। साथ में कभी भी एक चीज ध्यान में रखना कि कभी भी ना लाइफ में हार मत मानना। जो कोको कोला कंपनी थी मतलब जिसने खोली थी उसकी जो फर्स्ट ईयर था, ये मुझे जीके में जानने मिला आज, जो फर्स्ट ईयर में उसने सिर्फ कोको कोला की 25 बॉटल सेल की, क्या सिर्फ 25 बॉटल सेल की, और आज कितनी बड़ी कंपनी आप सोच सकते हो। तो ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी ना थोड़े टाइम के लिए आप करो मतलब जो भी बिजनेस चालू करते हो या कोई भी काम करते हो तो उसमें थोड़े टाइम के बाद आपको उसमें हार नहीं माननी है, उसको कंटिन्यू करना है। तो कोको कोला ने भी बाद में कंटिन्यू किया और आज आप देख सकते हो कि कोको कोला कौन से लेवल पे, पहले ईयर में सिर्फ 25 बॉटल्स, आप सोच भी नहीं सकते इतनी बॉटल्स ही सेल हुई थी। तो वो भी ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी चीज आप स्टार्ट करो लाइफ में जो इंटरेस्टिंग मतलब आपके जो फील्ड में आपको इंटरेस्ट है वो चीज चालू करो और आपको अगर उसमें फर्स्ट मतलब थोड़े महीनों में या थोड़े सालों में एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं ये लॉस हुआ या कुछ ऐसा हुआ कि हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है नुकसान हो रहा है तो ध्यान रखना है कि वो टाइम पे ऐसा नहीं सोचना है कि हम यहाँ से निकल जाते ये फील्ड को हम छोड़ देते इसके लिए दूसरी फील्ड पकड़, वो फील्ड को पकड़ के चलना है, एक गोल को फिट रखना है कि हमारा इतने साल में इतना अचीवमेंट तो होगा ही। तो अगर आपका परफेक्ट माइंड गोल होगा कि मुझे वहां तक पहुंचना ही है तो आप टिक पाओगे। अगर आपने सोचा कि बस अभी इतना पहले आपने सोच लिया कि गोल बना लिया कि मैं 2 साल में इतना आगे बढ़ जाऊं पर 2 साल में कुछ बिजनेस नहीं हुआ या आपको जो काम करना था वो प्रॉपर नहीं हुआ तो आपने उसको छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है उसको ही आगे कंटिन्यू करना। 2 साल 3 साल कितने साल लगेंगे, 3 साल 4 साल 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे, बाद में आपका बिजनेस एक दिन तो सेटअप होगा। तो मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है अभी भले नहीं चल रहा, मैं मान लेता हूँ मैं भी बहुत बार ऐसा हुआ था कि मैं छोड़ दूं यूट्यूब, पर मैंने सोचा नहीं मुझे नहीं छोड़ना है यूट्यूब, मेरे को आगे बढ़ना है, भले अभी मेरा टाइम नहीं आया पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि फ्यूचर में मेरा पक्का टाइम आएगा कि मैं यूट्यूब में एक अच्छा यूट्यूबर बन पाऊंगा, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू करते जा रहा हूँ और आपके आप तक ये मेरे वीडियोस पहुंचाते जा रहा हूँ। तो आज के वीडियो में मैंने क्या समझाया, हाउ टू मेक योर कम्युनिकेशन इफेक्टिव, अपने कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाए। तो आज के वीडियो में इतना ही काफी, थैंक यू।